जातिगत जनगणना की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जातीय गणना होने से ये हर जाति की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। कुमार ने कहा कि इससे समाज को टारगेटेड रिलीफ मिलने लगेगा। 2011 में सेंसस हुए थे, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है कि फिर से गणना इसलिए होना चाहिए, देखिए बहुत सारे चीजें जो है ना, जातीय आधार पर सिर्फ आरक्षण नहीं है, जातीय सेंसस से ये पता लग जाएगा कि क्या असली स्थिति है हर समाज का। तो आपको टारगेटेड रिलीफ मिलना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। कास्ट बेस्ड सेंसस सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है सर, आपके जो सोशल प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास आप लोग बोलने शुरू कर दिए, लेकिन इंदिरा आवास था क्योंकि नाम तो बदलने का तो शौकीन है साहब, तो जितने भी कल्याणकारी योजनाएं नाम बदल दिए बस। तो कास्ट सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट एंड कम्युनिटी सेंसस, इसलिए ताकि अगर सरकार को डेटा ही नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो आप सोशल इंटरवेंशन कैसे करेंगे, तो जरूरी है। वहीं अजय कुमार ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोला है। कुमार ने बताया कि भारत को बेचने का काम शुरू हो गया है। कुमार ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले वक्त में संसद भी बेच दिया जाएगा। रेल के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मोदी जी बोलते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं, क्योंकि वो बोलते कि वो चाय बेचते थे रेलवे लाइन पे, वो तो अलग कहानी है उसकी। बोले कि रेलवे की संपत्ति तो कोई बेच नहीं सकता है। अब सरकार कह रही है कि हम 400 स्टेशन बेचेंगे, 90 रेलवे ट्रेन बेच डालेंगे, रेलवे कॉरिडोर को बेच देंगे, और यहां तक संतुष्ट नहीं है, अब स्टेडियम भी बेच देंगे। जब ओलंपिक्स हुआ था तो बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी के चारों तरफ आपको दिखाई दिया होगा, तो जिस स्टेडियम में नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग हुई थी, जिस स्टेडियम में हमारे बच्चियां हॉकी खेलकर जो है इतनी सुंदर प्रदर्शन किया गया था, आपने देखा, वो सब स्टेडियम भी बेच रहा है सरकार। तो गरीब का पैसा, तो क्योंकि स्टेडियम तो फ्री है तो आप टिकट लेके जाइए, या वहां पर कोई आईपीएल होगा, स्टेडियम गया, रेलवे स्टेशन गया, एयरपोर्ट गया, हाईवे गया, मतलब टोल टैक्स। तो ये है मोदी सरकार। मैं तो सोच रहा हूं कि पार्लियामेंट भवन का भी ऑक्शन कब करने वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है, और उसको भी जो है नया शब्द अंग्रेजी में गूगल में खोजना पड़ेगा कि इसका नया शब्द उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। तो ये मोनेटाइजेशन का जो खेल है, ये सरकार कह रही है कि 4 साल के लिए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सचिव हैं, देखिए सरकार के झूठ की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के सचिव बोलते हैं, वेयरहाउसिंग सचिव, कि हम 25-30 साल के लिए देंगे निजी क्षेत्र को अपने गोदाम, जहां पर धान रखा जाता है फूड कॉरपोरेशन वगैरह द्वारा, गेहूं धान। और निर्मला सीतारामन जी और अमिताभ कांत बोलते हैं 4 साल। तो भारत को बेचने का काम शुरू हो गया, हम दो हमारे दो। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया है, लेकिन उन्होंने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना नहीं करवाया। लेकिन विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। वहीं मोदी सरकार पर भी जातिगत जनगणना के लिए दबाव बढ़ रहा है। अब वक्त ही बताएगा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना की मांग पर आखिर क्या फैसला लेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।